Hey everyone, welcome to Study with Aman. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 7th of our Science and Technology Current Affairs series from May 2019 to November 2019. For PDFs, you can join my Telegram channel. Link is in description box. Or agar aapke kuch personal doubts aap preparation related mujhse poochna chahte hain, to aap Instagram pe bhi mujhse connect ho sakte hain. Uska bhi username aapko description box mein mil jayega. So, आज के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं सबसे पहला है हमारा एक फंगस के बारे में है जिनको ये नाम दिया है उन्होंने यूरस फायरा गिरोल्डे. तो ये एक फंगस का नाम है. इसमें क्या है कि अभी एक नेचर जो मैगजीन है उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई थी. एक स्टडी को वहां पे पब्लिश किया गया था, साइंटिस्ट ने किया था. तो वहां पे साइंटिस्ट जो है उन्होंने अनाउंस किया कि जो डिस्कवरी है ओल्डेस्ट नोन फॉसिल ऑफ फंगस नेम्ड यूरस फायरा गिरोल्डे. सो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक सबसे पुरानी ओल्डेस्ट नोन, इससे पहले अभी तक एक और फंगस जो है उसके फॉसिल को ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था. वो अब तक की जो है ओल्डेस्ट लग रही थी, लेकिन अब उससे भी ओल्डेस्ट एक फॉसिल्स मिले हैं फंगस के. तो उनको उनको जो है साइंटिस्ट ने ये नेम दिया है. सो यूरस फायरा गिरोल्डे वॉज अ मल्टी सेलुलर फंगस. तो मल्टी सेलुलर सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होती है जिनके सेल्स जो है मल्टी जिनके जो है एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्स होते हैं जिनके. सो इट इज लिव्ड इन एन एस्चुरी. तो यहाँ पे जब डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये एक एस्चुरी एनवायरनमेंट था. एस्चुरी वो होती है कि जहाँ पे ओशियन का रिवर का ओशियन के साथ मिलाप होता है. बड़ा बहुत वाइड एरिया होता है जब रिवर जाके ओशियन में मिलती है, तो वो एक एस्चुरी क्रिएट होती है. तो ये वाली जो फॉसिल है, जो फॉसिल्स मिले हैं फंगस के, ये वाले फंगस ऐसा माना जा रहा है कि इट लिव्ड इन एन एस्चुरी एनवायरनमेंट अबाउट 900 मिलियन टू 1 बिलियन ईयर एगो. इतनी पुरानी फंगस के फॉसिल्स मिले हैं. सो दिस फंगस इज फोर रनर टू एन इमेंसली डाइवर्स ग्रुप दैट टुडे इंक्लूड. तो आजकल जो हम देखते हैं जो आज के ग्रुप्स हैं, मशरूम्स हैं, यीस्ट हैं, मोल्ड्स हैं, तो इनके फोर रनर ये वाली जो है वो फंगस है. सो रिसेंट डिस्कवरी में क्या पता चला, इट्स माइक्रो फॉसिल्स हैव बीन रिसेंटली एक्सकेवेटेड. कहाँ पे ये एक्सकेवेशन हुई है, ये हुई है आर्कटिक रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा. सो दीज माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स डेट बैक टू, तो ये फॉसिल्स जो मिले हैं ये माइक्रोस्कोपिक. नॉर्मली अगर हम फंजाई या फंगस की बात करें तो फंगस वही होती है कि जैसे हमारे घर में खाना होता है या फ्रूट्स वगैरह, वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो उनमें ग्रीन कलर का कुछ निकल आ जाता है ना, तो वो फंगस होती है. और इसके अलावा जो अगर हम वुड की बात करें, जैसे वहां पे भी ऐसे कुछ ये प्लांट्स होते हैं जो जिनके ना तो कोई फ्लावर्स होते हैं, तो नॉर्मल जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टाइप के होते हैं. तो दीज माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स डेट्स बैक टू प्रोटेरोजोइक एरा बिफोर द एडवेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स एंड थस रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट नोन फंगस. अभी तक ये माना जा रहा था कि ओल्डेस्ट नोन फंगस जो फॉसिल्स मिले थे वो किसके थे, 410 मिलियन ईयर्स एगो जो है, 410 मिलियन ईयर ओल्ड जो फंगस थे उसके फॉसिल्स मिले थे जो कि स्कॉटलैंड से मिले थे. सो अभी की जो डिस्कवरी हुई है ये ऐसी फॉसिल मिले हैं, ऐसी फंगस के फॉसिल मिले हैं जो कि अबाउट 1 बिलियन ईयर एगो थी. सो द डिस्कवरी शेड्स लाइट ऑन द ओरिजिन्स ऑफ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच इन अर्थ ट्री ऑफ लाइफ. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अगर हम पढ़े तो इस तरह की है ये फॉसिल्स जो मिले हैं. उसके बाद अगर फंजाई की बात करें हम, इस फंगस की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कोई भी जो फंजाई है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ग्लोबल इकोसिस्टम्स सच एज इन द ऑर्गेनिक डीकम्पोजिशन प्रोसेस. सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल इकोसिस्टम्स. फंजाई बिलोंग्स टू अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड यूकैरियोट्स. सो ये वाले जो है जो फंजाई है ये बिलोंग करती है टू अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यूकैरियोट्स कहते हैं, दैट पोजेसेस अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑल्सो इंक्लूड एनिमल एंड प्लांट्स. सो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स क्या होता है, इज दैट फंजाई आर इनकेपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनमें प्लांट्स और फंजाई की अगर हम बात करें तो इसमें यही मेन डिफरेंस होता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, लेकिन जो फंजाई है वो इनकेपेबल है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट. तो अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है. और ये प्रोजेक्ट में होगा क्या क्या वो पढ़ेंगे. इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने लॉन्च किया है अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट, जो कि एक इनिशिएटिव है दैट एम्स टू
sequence and catalog the genomes of all the Earth's currently described eukaryotic species. तो इसमें क्या है, ये एक प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या है, पहले ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये 10 years के लिए चलेगा. ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 years के लिए है. इसमें किया क्या क्या जाएगा कि जो हमारी पूरी अर्थ में जितनी भी स्पीशीज वगैरह है, जितनी भी इक्वेरियोटिक स्पीशीज है, इक्वेरियोटिक में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनिजम्स विद अ डिफाइंड न्यूक्लियस एंड टू विच बिलोंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें सब कुछ आ जाएगा, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हम हैं, इंसान हैं, इसमें उसके अलावा जितने भी ट्रीज वगैरह जो भी है इसमें सब कुछ आ जाएगा. तो सबके जो अर्थ में जितने एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़ के जो कि इक्वेरिटिक स्पीशीज में नहीं आते हैं, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी स्पीशीज है सबके जो जीनोम है उसको सीक्वेंस किया जाएगा. अब जीनोम क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन्स के ऊपर हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स है वो कैसी है, कि हमारी हाइट कितनी है, हमारी आईज का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, हमारी स्किन कैसी है, ये सब कुछ जो है डिपेंड करता है हमारी बॉडी में जो जीन्स है. और जीन्स जो है वो पार्ट होते हैं कि जीनोम पूरे सिस्टम का, जीनोम जो एक बड़ा सिस्टम है जिसका पार्ट होते हैं जीन्स, तो जीनोम जो है पूरा जो है, जीनोम जो सिस्टम है ये डिफाइन करता है कि ह्यूमन बींग एक इंसान जो है उसके अंदर क्या क्या है, वो किस तरह की उसकी जो फीचर्स है वो सब जीनोम के ऊपर डिपेंड करता है. और जीनोम को अगर सीक्वेंस किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि उस इंसान के बारे में, अगर किसी स्पीशी के जीनोम को सीक्वेंस किया जा रहा है, इसका मतलब पूरा उसके जीन्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ये इंसान जो है इसको कौन कौन सी, जैसे पूरा प्रॉपर उससे पता चलता है कि अगर किसी के जीनोम को सीक्वेंस किया गया है कि इस इंसान को आगे आने वाले टाइम पे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन सी और इसके अंदर इश्यूज जो है हो सकते हैं. तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो जितने भी स्पीशीज है अर्थ के, जितने भी इक्वेरिटिक स्पीशीज है, सबको यहाँ पे सीक्वेंस किया जाएगा, जिसके बहुत सारे एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजों को पहले ही प्रिडिक्ट किया जाएगा. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई सर्टेन जो है रेस है उसकी, जैसे उनमें जो है कुछ इश्यूज जो है, कुछ बीमारियां जो है वो किसी सर्टेन रेस के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है. तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमें इसको जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है उसको जब सीक्वेंस जीनोम्स को किया जाएगा उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 10 साल के लिए चलेगा. सो फार लेस देन 0.2% ऑफ इक्वेरिटिक जीनोम्स हैव बीन सीक्वेंस. तो अब तक क्या हुआ है कि जितने भी इक्वेरिटिक स्पीशीज जो अर्थ पे है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 0.2% से भी कम के जीनोम को सीक्वेंस किया गया है. सो अभी ये वाला जो ड्राफ्ट जीनोम प्रोजेक्ट है ये ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे शुरू होगा. तो अभी ये क्रूड फॉर्म में है लेकिन इसको जल्दी शुरू किया जाएगा. इट होप्स टू सीक्वेंस अबाउट, तो जितने भी इक्वेरिटिक अर्थ के ऊपर स्पीशीज है वो अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज है. इतनी सारी स्पीशीज के जीनोम्स को सीक्वेंस किया जाएगा और इसको 3 phases में कंडक्ट किया जाएगा. फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फेज में, 3 phases में, इसके 3 अलग अलग phases होंगे जिनमें इस प्रोजेक्ट को पूरा कंडक्ट किया जाएगा. सो द इनिशिएटिव वुड प्रोड्यूस एन ओपन DNA डेटाबेस ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड सपोर्ट्स एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स. तो अब अगर हमें स्पीशीज के बारे में, एक सर्टेन स्पीशीज है उनके बारे में पता चलता है कि किस तरह से ये स्पीशीज की क्या क्या फीचर्स हैं, तो इस तरह से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, है ना. तो उसके अलावा जो है साइंटिफिक रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 3 phases में कंडक्ट किया जाएगा. 1.5 मिलियन इक्वेरिटिक स्पीशीज को के जीनोम को यहाँ पे सीक्वेंस किया जाएगा. 10 साल के लिए चलेगा प्रोजेक्ट और इसमें जो पैसा खर्च होगा वो भी बिलियंस में खर्च होगा. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बिलियंस में यहाँ पे पैसा खर्च होगा. और जो 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 इसमें डेटा जो है स्टोर किया जाएगा वो भी बहुत लार्ज, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे डेटा को जो है कलेक्ट किया जाएगा. यहाँ पे इससे ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से जो है जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी 1.5 मिलियन जो है इक्वेरिटिक स्पीशीज को के जीनोम को सीक्वेंस करना है तो उतनी ही मैन पावर चाहिए. तो इस तरह से लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी बात है कि जॉब्स भी इसमें क्रिएट होंगी और साइंटिफिक रिसर्च को बहुत बढ़ावा मिलेगा.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन राइस के बारे में. गोल्डन राइस के बारे में न्यूज ये है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स has successfully cultivated golden rice in a controlled environment on International Rice Research Institute campus. तो International Rice Research Institute का जो campus है वहां पे क्या किया गया है कि successfully cultivate किया गया है golden rice को. तो International Rice Research Institute की अगर पहले बात करें तो ये क्या है, it is an independent non-profit research and educational institute founded in 1960 by Ford and Rockefeller Foundations with support from Philippine government. So institute का जो institute है इसका headquarter कहाँ है, इसका headquarter Philippines में है. Has offices in 17 rice growing countries. So Asia और Africa के 17 जो rice growing company countries हैं वहाँ पे इनके offices भी हैं. और इसका एक regional center अभी recently थोड़े साल पहले ही शुरू किया गया है वाराणसी में. तो वाराणसी में भी इसका एक रीजनल इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर है. सो इट इज डेडिकेटेड टू रिड्यूस, तो ये जो इंस्टीट्यूट है इट इज डेडिकेटेड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर थ्रू राइस साइंस, इंप्रूविंग द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ राइस फार्मर्स एंड कस्टमर्स एंड प्रोटेक्टिंग द राइस ग्रोइंग एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो इस तरह के इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं. तो अब जो है मेन मुद्दे की बात जिसपे हम आते हैं गोल्डन राइस के ऊपर. गोल्डन राइस है क्या, जैसे कि हमारे नॉर्मल राइस होते हैं उनका कलर गोल्डन नहीं होता है, व्हाइटिश थोड़ा क्रीम कलर के होते हैं, तो ये जो है गोल्डन राइस है, इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर का है. सो गोल्डन राइस इज कलेक्टिव नेम ऑफ राइस वराइटीज दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू काउंटर विटामिन ए डेफिशिएंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो इसमें क्या है कि जो नॉर्मल हमारा राइस होता है उसको कैसे ग्रो करते हैं, नॉर्मली बीज बोते हैं और वो ग्रो होता है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि उस वो जो बीज है वो नेचुरल नहीं है, उसमें कुछ जीन्स को अलग से ऐड किया गया है. ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत सारी वैरायटीज होती हैं. एक अगर एग्जांपल दूं तो टोमेटो एक एग्जांपल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है. तो वो एक ऐसा बीज है जब उसको धरती में ग्रो किया जाएगा तो वो जो पौधा जो है प्लांट जो उगेगा उस पे एक ही प्लांट पे टोमेटो भी लगेंगे और पोटैटो भी लगेंगे क्योंकि उसके बीज में दोनों की प्रॉपर्टीज को डाला गया है. सो इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रॉप्स होते हैं जिनके जीन्स को अकॉर्डिंगली जैसी भी हमारी स्पेसिफिकेशंस होती है उनको मॉडिफाई किया जाता है कि जैसे कि इस प्लांट में हमें ये चाहिए जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो वैसे जीन्स को उसके अंदर डाल दिया जाता है. तो इस तरह से बीज पैदा होते हैं, बीज जो है वो बनाए जाते हैं और फिर उनको ग्रो किया जाता है. तो इसमें ये है कि जो नॉर्मली हमारा राइस होता है उसमें जो विटामिन ई जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान अंधा भी हो सकता है, आंखों की रोशनी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है. तो इस तरह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी को काउंटर करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली तो ये जो है गोल्डन राइस इसको बनाया गया है. इसको सबसे पहले जो है यूरोपियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था फर्स्ट टाइम गोल्डन राइस को, एंड ऑफ 1990s में जो है इसको फर्स्ट टाइम बनाया गया था. तो अभी जो इसको ग्रो किया गया वो फर्स्ट टाइम नहीं है, यूरोपियन साइंटिस्ट ने 1990s में इसको पहले ही बना लिया था, इसको दोबारा से अभी अलग से ग्रो किया गया है. उसके बाद है गोल्डन राइस डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड राइस इन व्हाट इट कंटेन्स एक्स्ट्रा जीन. तो क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है इसमें एक एक्स्ट्रा जीन को गोल्डन राइस में एड किया गया है फ्रॉम मेज. तो वो जो एक्स्ट्रा जीन जो लिया गया है वो मेज से लिया गया है and one from bacterial origin together responsible for production of pro vitamin A. अब ये जो golden rice है इसमें क्योंकि जीन एक एक्स्ट्रा एड किया गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा प्रो वाइटामिन ए जो कि बीटा कैरेटन है. तो बीटा कैरेटन से ही जब इसमें बीटा कैरेटन होगा प्रो वाइटामिन ए तो उसके बाद राइस में वाइटामिन ए होगा. और विटामिन ए होने से जो है काफी सारी बीमारियां जो है जैसे कि यही है कि आंखों की रोशनी जो है इससे कम होती है अगर डेफिशिएंसी हो विटामिन ए की, तो उस कमी को दूर करने में ये गोल्डन राइस हेल्प करेगा. सो विटामिन जो प्रो विटामिन ए है यही इसको एक कलर देता है, जो प्रो विटामिन ए है बीटा कैरोटिन यही इसको एक येलोइश जो कलर है वो देता है, इसकी वजह से ही इसका कलर जो है गोल्डन है और इसका नाम भी गोल्डन राइस रखा गया है. वंस एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी प्रो विटामिन ए इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए. सो प्रो विटामिन ए इज फाउंड इन मेनी fruits and vegetables. It also what makes carrots, orange,
फॉर एग्जाम्पल. सो अगर बात करें तो ये जो है नेचुरली जो विटामिन ए है, प्रो विटामिन ए बीटा कैरोटिन, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नेचुरली भी ये प्रेजेंट होता है. और इसकी वजह जो कैरेट है, कैरेट में होता है, उसकी वजह से ही कैरेट का ऑरेंज कलर होता है. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स. तो फ्यूल सेल्स जो है इसमें क्या होगा कि ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक डिवाइस है. सबसे पहले तो ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगी केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होता है, इसको जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसमें छोड़ा जाएगा, ये अपना कुछ जो रिएक्शन वगैरह है वो करेंगी, डीकम्पोजिशन वगैरह, उससे क्या होगा कि केमिकल एनर्जी से जो है सीधा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी. सो माइक्रोबियल फ्यूल सेल इज अ बायो. बायो इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो बायो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट हार्नेस द पावर ऑफ रेस्पायरिंग माइक्रोब्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सट्रैक्ट्स डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है बहुत सारा, वहां पे जो बैक्टीरिया वगैरह उनको छोड़ा जाएगा तो वो जो रेस्पायरिंग माइक्रोब्स होंगे उनकी पावर से क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट को वो डीकम्पोज करेंगे, वहां से डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी. सो इट ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन जो है रिडक्शन रिएक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया करेंगे उसकी वजह से केमिकल एनर्जी से सीधा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. सो इट रिलाइज ऑन लिविंग बायोकैटलिस्ट. जो लिविंग बायोकैटलिस्ट मीन्स जो बैक्टीरिया है वही to facilitate the movement of the electrons throughout their system instead of traditional chemically catalyzed oxidation of a fuel at the anode and reduction at the cathode. अब क्या होता था कि जो फ्यूल सेल्स है इनसे पहले भी जो है फ्यूल सेल्स पहले भी यूज किया जाते थे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, की केमिकल जो एनर्जी से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन पहले जो है वो माइक्रोबियल नहीं थे, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं यूज किया जाता था, वहां पे केमिकल्स को यूज किया जाता था. केमिकल्स जो है कैटलाइज करते थे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, लेकिन अभी क्या है केमिकल्स को रिप्लेस कर दिया गया है माइक्रोबियल जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे. सो उसके बाद है इट हैज वेरियस एप्लीकेशन स्पेशली वेयर देयर इज लो पावर रिक्वायरमेंट. तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है जहां पे लो पावर रिक्वायरमेंट है, वेयर रिप्लेसिंग बैटरीज मे बी इम्प्रैक्टिकल सच एज वायरलेस सेंसर. तो इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइक्रोबियल जो फ्यूल सेल है इसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, इसके अलावा भी इसके एप्लीकेशंस है. जैसे इसको यूज किया जाएगा वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, बायो सेंसर्स वगैरह में. उसके बाद अगर हम देखें कि ये क्या काम कैसे करते हैं माइक्रोबियल जो फ्यूल सेल है ये कैसे काम करते हैं अंडर सनलाइट. जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है कि अंडर सनलाइट प्लांट्स प्रोड्यूस क्या करते हैं शुगर प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड CO2. सो दीज शुगर्स, तो ये जो शुगर होती है ये पूरी की पूरी जो है लीव्स में पत्तों में नहीं रहती है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू आउट द प्लांट टू स्टेम्स में चली जाती है, रूट्स में चली जाती है, और कुछ बची हुई शुगर क्या होती है एक्सक्रीट हो जाती है बाय द रूट्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट. तो बहुत जो है जो बची हुई कुछ शुगर होती है उसको प्लांट एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू बाय द रूट्स, और वो नीचे जो है जमीन में चली जाती है. सो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक दिस डाउन. तो ये जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं फर्दर, जिससे एनर्जी रिलीज होती है. उसके बाद इस एनर्जी को कैप्चर किया जाता है यूजिंग एन एनोड माइनस एंड अ कैथोड प्लस एंड चार्ज अ सुपर कैपेसिटर. व्हेन द सुपर कैपेसिटर जब फुल हो जाता है तो पावर जो है वो डिस्चार्ज कर दी जाती है. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अनलाइक सोलर पैनल्स प्लांट्स कैन सर्वाइव इन शेड नेचुरली मूविंग इन टू पोजिशन टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ एब्सॉर्बिंग सनलाइट. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट हैड लॉन्च नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि नेशनल मिशन लॉन्च किया है ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. तो साइबर फिजिकल सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आ जाते हैं. तो क्या क्या आता है इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि दिस प्रोजेक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मिशन विच वुड एड्रेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीनरशिप एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट इन CPS
एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज. तो यहाँ पे क्या जो साइबर फिजिकल सिस्टम CPS है और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज है उन सबको यूज किया जाएगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप डेवलपमेंट में. तो आजकल जो है हर चीज जो है टेक्नोलॉजी से हो रही है. पुराना टाइम होता था वहां पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज्यादा होती नहीं थी, एडवांस नहीं होती, लेकिन आजकल हर फील्ड में टेक्नोलॉजी है. हेल्थ में भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. तो इस तरह से ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए साइबर फिजिकल सिस्टम आया, जिसके साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जहां पे ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं. आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो गया जहां पे मशीन को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी जाती है ताकि वो काम कर सके इंसानों की तरह. उसके बाद जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम इंक्रिप्शन, डाटा साइंस एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस. सो साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर have pervaded and is playing a transformative role in almost every field of human endeavor, almost in all sectors. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टेक्नोलॉजी जो है हर एक सेक्टर में काम आएगी, अब हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है. उसके बाद है CSAT-5 टेक्नोलॉजी. तो ये क्या है CSAT-5 टेक्नोलॉजी? C. सैटेलाइट वाईफाई भी जिसको कहा जाता है. इट इज बेस्ड ऑन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू एक्सटेंड. तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा ऑफ वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, ताकि जो अनसर्व्ड एरियाज है जहां पे इंटरनेट वगैरह नहीं पहुंच सकता, इंक्लूडिंग द रिमोट आइलैंड्स एंड डिफिकल्ट टेरेन्स, वहां पे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इंटरनेट को वहां पे पहुंचाया जाएगा, जिसको नॉर्मल वे में जैसे कुछ डिफिकल्ट टेरेन होता है जहां पे जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह वो जो लगाना मुश्किल हो जाता है, रिमोट एरियाज तक इंटरनेट नहीं पहुंचाया जाता, तो इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो कि बेस्ड ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसको यूज करके उन एरियाज में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा. सो बिसाइड्स ऑफरिंग द ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, द सॉल्यूशन इज आइडियली सूटेड टू एड्रेसिंग डिजास्टर्स एंड इमरजेंसीज व्हेन नो अदर मींस ऑफ कम्युनिकेशन आर अवेलेबल. अब क्या होता है जब डिजास्टर हो जाता है, कुछ आपने सुना होगा कि बहुत सारे जैसे एरियाज में, किसी एरिया में डिजास्टर हो गया, वहां पे इंटरनेट वगैरह ठप हो जाता है, कुछ नहीं होता, तो इस टेक्नोलॉजी को वहां पे भी यूज किया जा सकता है. दिस कॉस्ट इफेक्टिव, और ये बात है कि ये टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव भी है. दिस कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंसिव सैटेलाइट फोन्स एंड कैन वर्क ऑन एनी वाईफाई इनेबल्ड फोन. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5G के बारे में. इसके बारे में आप सबको पता होगा, वैसे भी जनरेशन है ना, तो 4G चल रहा है, अभी 5G की बात हो रही है. तो 5G हो गया एक नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड फास्टर. इसका मेन बात ये कि दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी. तो लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी इज द अमाउंट ऑफ टाइम डेटा टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन इट्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन. जैसे कि एक यूजर है यहाँ पे, वो अपने इंटरनेट को अपने फोन पे एक्सेस कर रहा है, तो सर्वर से जहां से भी ये कनेक्शन आएगा उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है, ज्यादा है, कम है, वो लेटेंसी वही होता है. लेटेंसी जो है डिफाइन करता है, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम, जो टाइम लग रहा है डेटा को ट्रेवल करने के लिए, एक सर्विस प्रोवाइडर से यूजर तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है. तो ये जो है 5G में बहुत बहुत कम हो जाएगा ये टाइम, क्योंकि स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होगी. विद 5G द पीक नेटवर्क डेटा स्पीड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन रेंज ऑफ 2 to 20 gigabits पर सेकेंड. तो अभी क्या होता है कि जो दिस इज इन कंट्रास्ट, जो 4G नेटवर्क है वहां पे कितनी स्पीड आती है, एवरेज 6-7 मेगाबिट आती है, मेगाबिट पर सेकेंड आती है इंडिया में. और अगर एडवांस नेशंस की बात करें वहां पे 25 आती है मेगाबिट पर सेकेंड. लेकिन जो अगर हम 5G की बात करें वहां पे 2 to 20 gigabit तक जाएगी पर सेकेंड. सो विद 5G टेक्नोलॉजी द कंज्यूमर्स विल बी एबल टू डाउनलोड डेटा हैवी कंटेंट सच एज 8K मूवीज एंड गेम्स विद बेटर ग्राफिक्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स. बट वंस 5G बिकम्स कमर्शियल, यूजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज देयर करंट डिवाइसेस. तो इसमें ये होगा कि अभी जो फोन्स वगैरह 4G है तो डेफिनेटली उनमें 5G नहीं चलेगा,
तो उनको जो अपने डिवाइसेस वगैरह अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे, 5G डिवाइसेस लेने पड़ेंगे. 5G इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो बड़ी बड़ी जिनको बहुत ज्यादा हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है, उनके लिए 5G एक अच्छी बात है. उन टेक्नोलॉजीज के साथ अगर हमने काम करना है तो हमें हाई स्पीड डेटा की जरूरत है. एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, thereby supporting a much much larger range of applications and services including driverless vehicles, telesurgery and real time data analytics. So yahan pe sab mein 5G bahut bada role play karega. The ultra low latency offered by 5G makes the technology desirable for such use cases. तो इसमें जो है लेटेंसी बहुत अल्ट्रा लो लेटेंसी होगी, मतलब कि टाइम बहुत कम लगेगा डेटा को लोड करने में, तो एक अच्छी बात है. उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने प्लान किया है टू इंट्रोड्यूस अ डेडिकेटेड इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स. अब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता क्या है, अब जब आप कभी कस्टमर केयर वगैरह में कॉल करते हो तो वहां पे एक कंप्यूटर जनरेटर रिप्लाई आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जैसे टेली कंपनीज है उनके पास ज्यादा अगर स्टाफ नहीं है, बहुत सारे उनके पास कॉल आते हैं, हैंडल करने के लिए इतनी मैन पावर नहीं है, तो कंप्यूटर्स वगैरह का यूज किया जाता है. तो वहीं से जो है ऑटो जनरेटर कुछ रिप्लाईज आते हैं. तो इस तरह से क्या होता है कि जो है इसमें आरबीआई ने भी अभी सोचा है कि एक डेडिकेटेड इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम लाएंगे फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट्स. जो इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं जिनको हैंडल करने के लिए इतनी सारी मैन पावर नहीं है, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगी इंटरैक्टिव वॉइस सिस्टम की हेल्प से. सो इट इज एन अगर इंटरैक्टिव जो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, इट इज एन ऑटोमेटेड टेलीफोनिक सिस्टम दैट इंटरैक्ट्स विद कॉलर्स, गैदर इंफॉर्मेशन एंड रूट्स कॉल्स टू द एप्रोप्रिएट रिसिपिएंट्स. So an interactive voice response system accepts a combination of voice telephone input and touch tone keyboard keypad selection and provides the appropriate response. तो यहाँ पे जब कॉल किया जाएगा, अगर कंप्यूटर जनरेटर रिप्लाई आएगा तो किस फॉर्म में होगा, या तो वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, फैक्स की फॉर्म में हो सकता है, कॉल बैक हो सकती है, ईमेल हो सकती है और अदर कॉन्टैक्ट मेथड्स हो सकते हैं. सो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कैन बी यूज फॉर मोबाइल परचेजेस, बैंकिंग पेमेंट्स, सर्विसेज, रिटेल ऑर्डर्स, यूटिलाइजेस ट्रेवल इंफॉर्मेशन एंड वेदर कंडीशंस. सो आरबीआई ने अभी क्या किया है, उन्होंने लॉन्च किया है एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एन ऑनलाइन पोर्टल टू फैसिलिटेट बैंक कस्टमर्स ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोसेसेस. CMS जो है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम विल बी एक्सेसिबल ऑन डेस्कटॉप एज वेल एज ऑन मोबाइल डिवाइसेस. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंडिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट फेशियल बायोमेट्रिक बेस्ड ID फॉर सी फेयरर्स. तो सी फेयरर्स जो है उनके लिए इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री बना है जिन्होंने लॉन्च किया है फेशियल बायोमेट्रिक बेस्ड ID. तो इसमें सबसे पहली बात तो याद रख जो रखनी है वो यही है कि जो फेशियल बायोमेट्रिक बेस्ड ID सी फेयरर्स को दी जाएगी, उसमें इंडिया जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है ऐसा काम करने वाली. सो द न्यू डॉक्यूमेंट जो दिया जाएगा विल गिव अ फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन टू इंडियन सी फेयरर्स विच विल फैसिलिटेट देयर मूवमेंट एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग देम फ्रॉम एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड. क्योंकि उनको जब दे दिया जाएगा तो कहीं भी किसी भी लोकेशन से उनको जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है. सो दिस जो है ये वाला सिस्टम जो BSID इज अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है इज मार्क्ड इम्प्रूवमेंट ओवर द टू फिंगर और आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक डेटा विद मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स. तो इसमें अलग अलग फीचर्स जो है इम्प्रूवमेंट है, जो पहले का जैसे हमारा आधार सिस्टम है फिंगरप्रिंट लिया जाता है, वहां पे आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक डेटा होता है, लेकिन ये उसके ऊपर भी एक इम्प्रूवमेंट है. इट विल मेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सी फेयर आइडेंटिटी होल्डर्स मोर रिलायबल एंड एफिशियंट वाइल प्रोटेक्टिंग देयर डिग्निटी एंड प्राइवेसी. सो द न्यू कार्ड इज इन कन्फर्मेशन ऑफ द कन्वेंशन नंबर 185 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन BSID. इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन अक्टूबर 2015. तो उसके बाद अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UN की एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ये है. उसके बाद जो के लेबर जो है उनके पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर जितने भी लेबर्स जो है काम करते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाता है, उनके लिए काम करता है.
उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्ड पैक्ट विद आईबीएम इंडिया फॉर अंडरटेकिंग अ पायलट स्टडी टू यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने आईबीएम क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका नाम है, इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें क्या होगा कि आईबीएम जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा इंडियन गवर्नमेंट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेदर टेक्नोलॉजी आईबीएम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा ताकि उसको जो है एग्रीकल्चर में यूज किया जा सके। द पायलट स्टडी, जो पायलट स्टडी यहाँ पे क्या कहाँ पे फिर वो जो टेक्नोलॉजी दी जाएगी उसको जो उससे जो टेक्नोलॉजी जब आईबीएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा तो यहाँ पे कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया में एकदम से इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा, कुछ एरियाज में स्टडी की जाएगी, पायलट स्टडी होगी कुछ एरियाज में होगी, उसका देखा जाएगा कि कितना एडवांटेज इससे होता है। सो पायलट स्टडी विल बी कंडक्टेड फॉर खरीफ क्रॉप सीजन 2019 इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से है, भोपाल, राजकोट, नंदेड़। तो भोपाल एमपी में है, राजकोट गुजरात में है, नंदेड़ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सो आईबीएम विल गिव सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी एट विलेज लेवल, फार्म लेवल टू प्रोवाइड वेदर फोरकास्ट। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि वेदर फोरकास्टिंग हो सकती है और अगर पहले से ही वेदर को प्रॉपर वे में जो है हम फोरकास्ट कर लें तो पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं उनके मोबाइल फोन्स पे एसएमएस भेजे जाएंगे कि वो अकॉर्डिंगली ताकि अपनी प्लानिंग वगैरह कर लें। एंड सॉइल मॉइस्चर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ऑन प्रो बोनो बेसिस टू हेल्प फार्मर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सो नेक्स्ट है हमारा, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इशूड अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अमेंडिंग सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया है ताकि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को क्या किया जाए, जो है अमेंड किया जाए, अलाउइंग मोटर व्हीकल्स एंड देयर पार्ट्स कंपोनेंट्स असेंबलीज सब असेंबलीज टू बी अफिक्स्ड विद परमानेंट एंड नियरली इनविजिबल माइक्रोडॉट्स। तो इसको हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड किया है इसमें इन्होंने अलाउ किया है कि जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं और उनके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, असेंबलीज सब असेंबलीज सब में क्या किया जाए, कुछ परमानेंट एंड नियरली इनविजिबल माइक्रोडॉट्स जो है वो चिपकाए जाए। जो माइक्रोडॉट्स लगाए जाएंगे वो इनविजिबल होंगे, दिखेंगे नहीं, लेकिन वो परमानेंट टाइप से होंगे। तो माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी है क्या, इट इन्वॉल्व स्प्रे कर देंगे, स्प्रेइंग द बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ द व्हीकल और एनी अदर मशीन विद माइक्रोस्कोपिक डॉट्स विच गिव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके पार्ट्स वगैरह के ऊपर हर जगह जो है स्प्रे किया जाएंगे जो माइक्रो डॉट्स हैं, इससे क्या होगा कि इस व्हीकल को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। दीज माइक्रो डॉट्स कैन बी रीड फिजिकली, फिर उनको माइक्रो डॉट्स को फिजिकली रीड किया जा सकता है विद अ माइक्रोस्कोप एंड आइडेंटिफाइड विद अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स। सो द माइक्रो डॉट्स एंड एडहेसिव्स विल बिकम परमानेंट फिक्स्चर्स फिक्सेशन विच कैनॉट बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द एसेट। तो इसको फिर किसी भी हालत में, एक बार ये जब ये चिपक गए इसको किसी भी हालत में निकाला नहीं जाएगा, अगर निकाला जाएगा तो वो एसेट ही डैमेज हो जाएगा। सो उसके बाद जो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर इसको लगाया, इसका बेनिफिट ये है कि यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प चेक थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स एंड ऑल्सो यूज ऑफ फेक स्पेयर पार्ट्स। तो जो व्हीकल्स मान लो किसी के व्हीकल के ऊपर इसको चिपकाया गया है उसके बाद उसकी चोरी हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ आइडेंटिटी नंबर वगैरह आइडेंटिटी वगैरह होगी तो उसको कहीं से भी लोकेट कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लिग्निन के बारे में। सो लिग्निन क्या है, लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर रिच इन पॉलीफेनॉल्स विद एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज। तो ये क्या है, इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ड्राई प्लांट। तो ये जितने भी ड्राई प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग क्रॉप रेजिड्यूज जो क्रॉप्स को काटने के पीछे जो बचा रह जाता है एंड वुडी बार्क जो होती है ट्रीज की, हर जगह पे लिग्निन जो है वो मिलता है। सो अबंडेंट क्वांटिटीज ऑफ लिग्निन आर जनरेटेड एज पोस्ट हार्वेस्ट एग्रो बायोमास एंड इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री एवरी ईयर विच ऑफन गो वेस्ट। तो अभी क्या होता है कि अबंडेंट क्वांटिटीज जो लिग्निन की होती है वो जनरेट होती है पोस्ट हार्वेस्ट एग्रो बायोमास में और पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी होती है, जो क्या है वेस्ट हो जाती है, उसको कोई यूज नहीं किया जाता। लेकिन अभी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया है कि लिग्निन बेस्ड नैनो कंपोजिट
विच कुड पोटेंशियली हैव कमर्शियल वैल्यू. तो क्या है कि वैसे जो लिग्निन निकलता था इस वेस्ट हो जाता था पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में, पोस्ट हार्वेस्ट जो एग्रो बायोमास होता था हर जगह वेस्ट हो जाता था. लेकिन अब रिसर्चर्स ने क्या किया है, उसी लिग्निन को यूज करके एक जो है नैनो कंपोजिट बनाया है, कंपोजिट बनाया है जिसको जो है पोटेंशियल, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है. सो लिग्निन बेस्ड नैनो मटेरियल कैन एक्ट एज एडिटिव इन द कोटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल. तो इसको जो है लिग्निन बेस्ड जो नैनो मटेरियल, नैनो कंपोजिट बनाया गया, उसको यूज किया जा सकता है जो कि एक्ट कर सकता है एज अ एडिटिव इन कोटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स. तो इस तरह से लिग्निन को आगे यूज किया जा सकता है. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टर्म्स को ना जो है पेपर में ऐसे पूछा जाता है, जैसे लिग्निन क्या है ऐसे पूछा जाएगा, चार स्टेटमेंट दी जाएंगी इनके बारे में कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर. तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर क्या है, ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर द फर्स्ट फ्रॉम रशिया. रशिया ने अपनी तरफ से अपना, रशिया ने अपनी कंट्री का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट फेडर जो है ऑर्बिट में भेजा है, रीच्ड वो पहुंच चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. फेडर कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली, उसको मैनुअली ऑपरेट किया जाएगा बाय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स जिन्होंने वियर किया होगा रोबोटिक एक्सोस्केलेटन सूट. एक्सोस्केलेटन सूट्स वो होते हैं जैसे कि बाहर से कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है ताकि कोई एनिमल कुछ भी जो है किसी इंसान को जो है नुकसान ना पहुंचा सके. सो रोबोट मिरर्स देयर मूवमेंट. तो ये जो फेडर है इट स्टैंड्स 180 सेंटीमीटर टॉल एंड वेज 160 kg. इट कॉपीज ह्यूमन मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट को ये कॉपी करता है विच विल इनेबल इट टू परफॉर्म टास्क, जिसकी वजह से ये ऐसे काम को परफॉर्म कर पाएगा जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिस्की है. तो इसमें याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि चाहे ये रशिया का पहला है लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का पहला नहीं है. वाइल फेडर इज रशिया फर्स्ट रोबोट इन स्पेस, अदर कंट्रीज हैव प्रीवियसली सेंट देयर्स. तो बाकी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज है जो अपने पहले भेज चुकी है, जैसे कि नासा ने 2011 में अपना भेजा था रोबोनॉट 2, अ ह्यूमनॉइड डेवलप्ड बाय जनरल मोटर्स दैट हैड अ सिमिलर एम ऑफ वर्किंग इन हाई रिस्क एनवायरमेंट्स. तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, काफी सारे टॉपिक्स हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हमने कितना पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले हमने पढ़ा था यूरास फेरा गिरोल्डे, जो कि एक फंगस को नाम दिया गया है जो कि अब तक की ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है फंगस के. उसके बाद हमने पढ़ा था अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा था गोल्डन राइस के बारे में, देन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, देन हमने पढ़ा था गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम. उसके बाद सी सैट 5 टेक्नोलॉजी जिसको C.Satellite Wi-Fi भी कहते हैं, उसके बाद 5G, देन RBI ऑल्सो जिसमें RBI ने प्लान किया इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा था इंडिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट फेशियल बायोमेट्रिक बेस्ड ID फॉर सी फेयरर्स, गवर्नमेंट इंक्ड पैक्ट विद IBM इंडिया फॉर अंडरटेकिंग अ पायलट स्टडी टू यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर. उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने क्या किया है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड किया है, जिसमें क्या होगा कि व्हीकल्स है जो मोटर व्हीकल है और उनके पार्ट्स के ऊपर जो कुछ इनविजिबल माइक्रो डॉट्स है उनको स्प्रे किया जाएगा ताकि उसके जो व्हीकल थेफ्ट वगैरह को रोका जा सके. उसके बाद हमने लिग्निन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा ह्यूमनॉइड रोबोट फीडर के बारे में. सो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए एग्जाम पोस्टपोन हो या कुछ भी हो. अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये सोच के चलना है कि एग्जाम डेट सवेर आपका हो ही जाना है, एक महीने बाद हो, डेढ़ महीने बाद हो, और आप ये सोचिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो वेस्ट किया हुआ टाइम है ना वो बाद में नहीं आएगा. फिर एकदम से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, फिर आपके ऊपर वर्क लोड बढ़ जाएगा. तो इससे अच्छा है कि आप अपने काम को करते रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो जैसे आप पढ़ रहे हो. एग्जाम चाहे आपका 31 मई को हो या फिर एक महीने बाद हो, कुछ नहीं मैटर करता आपको. आप ये सोचिए कि आपका काम बढ़ जाएगा अगर आप अभी वेस्ट करोगे टाइम. अगर एक महीना लेट होता है तो आपको एक महीने के और करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे. सो आपका काम जो है वो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ेगा ही. सो आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है. सो अच्छे से पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.